दोस्तों, आज है हमारे 90 डेज़ चैलेंज का दूसरा दिन। तो हम उठ चुके हैं और अब हम पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद हम फ्रेश हो लेंगे। फ्रेश होके हम तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद फिर हम निकलेंगे अपनी मॉर्निंग वॉक पे, जैसा कि हम रेगुलरली करने वाले हैं आज से अगले 88 डेज़ के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:30 बजे। आज फिर से 6:30 बजे, 5:30 बजे निकलने का सोचा था, बट अभी फिर वही टाइम हो गया है। आज बैंगलोर में 29 तारीख को कर्नाटक बंद। दोस्तों, आज है 26 तारीख और आज है बैंगलोर बंद, क्योंकि अभी हम बैंगलोर में रह रहे हैं। आज बंद है, वैसे बंदी का कुछ पता तो नहीं चल रहा है। गाड़ियाँ तो वैसे नॉर्मल फ्लो में चल रही हैं और देखते हैं। तो खैर, हम तो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हमारे ऑफिस में भी आज वर्क फ्रॉम होम बोल दिया है, तो आज घर से ही काम करेंगे। और हमारे पार्टनर भी आ गए हैं साथ में, चतुर भाई, तो चल रहे हैं और निकलते हैं। आज फिर हम सेम पार्क में ही जाएंगे, थोड़ा वहाँ पर एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि आज फिर लेट हो गया हमें। देखो, अंकल रेडी हो गए सुबह सुबह फूलों के साथ। वो मंदिर चमक रहा है, मंदिर में हो रही है पूजा। जय बजरंगबली। आज मंगल का है दिन और सुबह सुबह बजरंगबली के हो गए दर्शन। दोस्तों, आज हमें हो गया है कुछ ज़्यादा ही लेट, क्योंकि दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं और ट्रैफिक कल से ज़्यादा हो गया है। और मुझे बंदी का तो कोई असर नहीं दिख रहा है आज, यहाँ पर ट्रैफिक और ज़्यादा दिख रहा है कल से। ये हैं दोस्तों यहाँ पर सब्जी के रेट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, हमें वैसे ही इतना लेट हो गया है और आप देख सकते हो सब्ज़ी की और फ्रूट्स की दुकानें खुल गई हैं हमारे जाते जाते। अब हम यहाँ खाएंगे पूड़ी और सब्ज़ी, थोड़ी भूख सी लग गई है। पूड़ी सब्जी खानी है सोमन्ना टिंडी अड्डा में, पूड़ी सब्जी हमें खानी नहीं है भाई। नहीं भाई, ऑयल तो यूज़ ही नहीं करना है अपने डाइट में। डाइट प्लान फॉलो तो कर रहे हो ना? हाँ कर रहे हैं, ओलिव ऑयल खा रहे हैं। ओलिव ऑयल, यस यस यस, ओलिव ऑयल ही यूज़ करना है। ये है आपका, डाइट में रहना ज़रूरी है। अब इतने दिन चैलेंज फॉलो कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। आज तो गर्मी का ज़्यादा असर दिख नहीं रहा है यार। इन फ्लैट में कितना रेंट होगा? 25 to 35,000। चलिए दोस्तों, आपको जानकारी दे देते हैं कि आज बैंगलोर क्यों बंद है और 29th को क्यों कर्नाटक बंद रहेगा। तो यहाँ पर चल रहा है कावेरी रिवर डिस्प्यूट, जो कि चल रहा है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। तो कर्नाटक से तमिलनाडु को पानी जाता है, तो आज स्कूल, वैसे तो बसेस और ऑटोस चल रहे हैं, कैब भी चलेंगे, क्योंकि स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि आज स्कूल बंद नहीं है और 29th को सारे स्कूल्स बंद हैं। तो उस वजह से कहते हैं अभी ये बेंगलोर बंद चल रहा है। जो हम 90 डेज चैलेंज कर रहे हैं वो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मुझे, मेरे को काफ़ी साल हो गए ना वर्कआउट ना करते हुए, तो अब मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है अगर मुझे एक्सरसाइज करना है या कुछ भी इस तरह करना है। तो इसलिए मैं मेरे जैसे लोगों के लिए कई वीडियो बना रहा हूँ, जो कि खाली वॉक करके 90 डेज का और उसके अलावा थोड़ा सा डाइट फॉलो करके अपना वेट कम कर सकते हैं और अपने बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं KFC और सब्वे के पास, जो कि हमें यूज़ ही नहीं करने हैं इस बीच में।
तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, फिटनेस अगर बराबर रखनी है तो। ऑयली और जंक फूड खाने से फिटनेस को नुकसान पहुंचाती है, आपका फैट बढ़ जाएगा, हर चीज़ बढ़ेगी, तो इससे कोशिश करिए कि ये सब चीज़ें आप ना खाएं। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा पार्क आ चुका है, तो अब यहाँ हम लगाएंगे 2 से 3 चक्कर, उसके बाद करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज और फिर आगे आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों आ गए हैं पार्क के अंदर दोनों लोग, अब कहते हैं यहाँ 3 से 4 राउंड मारेंगे और फिर उसके बाद कहते हैं आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, बात तो करता ही रहूँगा मैं आपसे बीच बीच में, थोड़ी देर में क्या मिलते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको कल दिखाया था एक्वा प्रेशर पॉइंट, वहाँ पर तो बियर बुकेट आप जा सकते हो, वॉक कर सकते हो। रोगियों के लिए बहुत बढ़िया है, हाँ ब्लड प्रेशर वालों से, हाँ एक्वा प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये एक्वा प्रेशर होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, उसके अलावा बीपी पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही लाभकारक है ये। तो दोस्तों लोग सोच रहे होंगे 90 डेज़ का चैलेंज कुछ ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप ये देखो वर्कआउट तो हम कर नहीं रहे, खाली हम वॉक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इतना तो टाइम होना ही चाहिए कम से कम, और 3 महीना तो कम से कम चाहिए बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अगर कुछ चेंजेस अपने बॉडी में दिखने हैं तो कम से कम 3 महीना तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस, तो वही फॉलो कर रहा हूँ, देखते हैं 90 डेज़ में क्या होता है। तो पार्क की यही खासियत है, यहाँ पर बहुत ही हरियाली है, तो उस वजह से अपना फ्रेश एयर भी मिल जाती है, तो मैंने प्रेफर किया कि पार्क के अंदर वॉक करना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द रोड। तो आप लोग भी कोशिश करिए अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क हो तो उसको चूज़ करें फॉर द मॉर्निंग वॉक, तो वो आपको फ़ायदा देगा क्योंकि आपको फ्रेश एयर मिल जाएगी सुबह सुबह और उससे लंग्स को बहुत फ़ायदा होता है जब आप फ्रेश एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है लंग्स को। दोस्तों मैं तो पसीना पसीना हो गया, मैं चाहता हूँ आप लोग भी अगर वर्कआउट नहीं कर रहे और वॉक कर रहे हैं मॉर्निंग में तो फास्ट वॉक करें, जिससे कि कहते हैं आपको पसीना आए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो मैंने विंडशीटर पहना है, एक्चुअली ये पहनना बहुत ज़रूरी है वॉक करते वक्त, और वॉक बहुत फास्ट करना है, नॉर्मल वॉक नहीं करना है, नॉर्मल वॉक से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कोशिश करिए कि जितना फास्ट वॉक कर सकते हैं उतना फास्ट वॉक करिए। अभी मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए स्लो चल रहा हूँ, वरना मैं वॉक तो फास्ट ही कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी इस तरह का कुछ करना चाहते हैं तो फास्ट वॉक करिए, और कहते हैं आपको हेल्प मिलेगी उससे अपना वज़न जल्दी से जल्दी घटाने में। उसके अलावा जो मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ वो तो मैं आपको शेयर करता ही रहूँगा, जिससे कि आप उसका लाभ उठा सकें मेरे साथ। दोस्तों अभी कर लिया हमने थोड़ा सा वर्कआउट, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं पार्क्स में आमतौर पे ये सब मशीनें मिल जाती हैं,
जिसमें कि आप कह रहे थे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहती हैं ये मशीन्स जितना कि जिम वाली मशीन्स रहती हैं, बट फिर भी थोड़ा तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है। अभी रास्ते में निकलते हैं और आगे की एक्टिविटीज़ करते हैं और आपको सभी कुछ दिखाते हैं। ले लिए हैं थोड़े फूल, अब करेंगे घर पे चल के पूजा। ले लिया नारियल पानी, अभी पी लेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों आ गए घर पे वापस और बाकी की एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, नहा धो के पूजा करेंगे, कपड़े डाल लेते हैं और क्योंकि बहुत से कपड़े धोने हैं और मुझे अभी ट्रैवल भी करना है जल्दी, तो कपड़े धो के फिर कहते हैं रेडी कर लेंगे। बहुत कपड़े हैं और बहुत ही गंदे हैं सब। डाली हमने पाउडर, पाउडर डालने के बाद ऑन कर लेते हैं और कपड़े बहुत ही गंदे हैं, तो हम अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं। प्रवर्तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर रूप, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। दोस्तों रेडी है हमारी चिया सीड्स, थोड़ी सी चिया सीड्स खा लेते हैं। जैसे कि हमने आपको रोज बताया ही है चैलेंज में हम ये सब चीज़ें डेली बेसिस पे खा रहे हैं, तो चिया सीड्स खा लेते हैं। थोड़ा सा एक्चुअली इसमें टेस्ट नहीं होता है चिया सीड्स में, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, इसको हिंदी में तिल कहते हैं, काली तिल, तो ये आराम से खाई जा सकती है, टेस्टलेस होती है, इसे ना तो कड़वापन आता है ना तो मीठा है, तो नॉर्मली खा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहो तो इसमें एक चम्मच हनी भी डाल सकते हो अगर आप डायरेक्ट ना खा पाओ तो। ओट्स रेडी है दोस्तों, ओट्स का टाइम हो गया है, अब ओट्स खा लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था ओट्स में शुगर यूज नहीं करनी, तो खाली ओट्स और उसके अलावा मिल्क ले रहे हैं। One hour later. तो दोस्तों अब हो गया है नारियल पानी का टाइम, एक्चुअली 10:30 के आसपास का टाइम है, 10:30 से 11 के बीच में मुझे नारियल पानी पीना है। तो आमतौर पे क्या है, वाटर का हमें प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, नारियल पानी बेस्ट रहता है आपको हेल्थ बनाने के लिए। तो अभी कहते हैं देखते हैं इसमें से कितना नारियल पानी निकलता है। ओ, ये कंट्री डिलाइट की तरह नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। दोस्तों पी लेते हैं नारियल पानी। और जैसे मैं पानी की बात कर रहा हूँ तो मैं दिन में 4 से 5 लीटर पानी पी लेता हूँ, साथ में 1 ग्लास नारियल पानी भी पीता हूँ। एक नारियल में जितना भी पानी निकलता है आमतौर पर, कभी कभी कम भी निकलता है कभी ज़्यादा भी निकलता है, डिपेंड करता है। तो एक नारियल पानी आपको पीना ही है दिन में 10:30 से 11 के टाइम पे, जिससे कि आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स आपके बॉडी में पानी की कमी ना हो। तो कहते हैं चलिए अब कहते हैं आगे अपना ऑफिस का काम कर लेते हैं, क्योंकि आज मैंने जैसे कि आपको मॉर्निंग बताया आज बैंगलोर बंद है, तो हमें आज ऑफिस का काम घर से ही करना है, तो चलिए ऑफिस का काम कर लेते हैं। उसके बाद करीब 3-4 घंटे हमने ऑफिस का काम किया जैसा कि हमें आज करना था, और ऑफिस का काम करने के बाद हमने बीच में थोड़ा सा एडिटिंग भी किया जो कि आज के ब्लॉग के लिए हमें एडिट करना था। तो हम एडिटिंग करने के बाद अब खा लेते हैं अपना खाना। तो दोस्तों ले लिया है हमने खूब सारा सलाद, उसके अलावा लिया दाल और लिया है थोड़ा सा चावल, ये रहेगा आज हमारा खाना day 2 का। दोस्तों बैठ गए पालथी मार के इंडियन स्टाइल में अपना, और दाल और चावल ले लिया है, साथ में ले लिया है खूब सारा सलाद, क्योंकि मेन डाइट हमारी सलाद ही है। तो थोड़ा सा चावल लिया है आधा कटोरी,
और उसके साथ दाल ले रहे हैं और साथ में खाएंगे खूब सारा सलाद। तो ये है हमारे डे टू का दिन का लंच। दोस्तों खाना हमने खा लिया है, सलाद खत्म हो गया, दाल खत्म हो गई, राइस खत्म हो गई। अब हमने ले लिया है एक कटोरी कर्ड, जो कि कहते हैं हमें डेली बेसिस पे खाना है, तो हम अब कर्ड खा लेंगे। इसमें ना शुगर पड़ा है ना कुछ है, प्लेन कर्ड है। प्लेन कर्ड खाइए और कहते हैं स्वस्थ रहिए। लंच के बाद फिर से कर लिया हमने अपना ऑफिस का बाकी का काम। दोस्तों हो गया हमारा डिनर का टाइम, आपके बज रहे हैं अभी 8:30 से 9 के बीच में, अभी 8:45 हो रहा है। और कहते हैं हमें रात में खाना है कुछ सलाद और उसके साथ हमें खाना है 100 ग्राम पनीर। तो आज का हमारा डिनर है ये, उसके बाद हम आधे घंटे के बाद एक ग्लास दूध पिएंगे। दोस्तों दूध पीकर हम अपना टास्क पूरा करते हैं। डे टू का चैलेंज हुआ पूरा।